नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल दीप्ति सिंह अकेडमी में। दोस्तों यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सरकारी नौकरी की तैयारियाँ कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप UPSC, MPPSC, RRB, व्यापम संविदा की भी तैयारियाँ कर सकते हैं। दोस्तों आप NTPC जो परीक्षा है उनकी भी तैयारियाँ हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल भी देख सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स भी आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप MP परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप MP परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारियां कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में छूट के लिए आप DEEMGOV40 कूपन कोड का उपयोग कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में आप 40% की छूट ले सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और बता दें, आप इस ऐप के माध्यम से RRB NTPC का डेली डोज नाम से दोस्तों निशुल्क टेस्ट सीरीज भी होता है, जो कि रात 9 बजे होता है और वह हर रोज होता है। तो दोस्तों यहां पर आप भाग ले सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में भी और अपनी परीक्षा की तैयारियां कर सकते हैं। तो आज ही MP परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। साथियों हम आपको बताते हैं कि जो करंट अफेयर्स है वह हम 40 से 45 दिनों का आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है करंट अफेयर्स में, सबसे फर्स्ट पॉइंट, फीफा द्वारा 4 अप्रैल 2019 को जारी विश्व रैंकिंग में जिस देश को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है तो वह है भारत। नेक्स्ट बिंदु है, अगला बिंदु, भारतीय सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा जिस राज्य में खोजा है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, वह देश जिसकी सरकार ने उत्तर पूर्वी तट के 5 शहरों और काउंटी में बड़े पैमाने पर लगी आग को 5 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित की तो वह है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद प्रशासन ने बारामूला से उधमपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 मई तक प्रत्येक हफ्ते में नागरिक यातायात को जितने दिन बंद करने का फैसला किया गया है तो वह है 2। नेक्स्ट है, भारत ने जिस देश के साथ लिथियम के विकास एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो वह है बोलीविया। नेक्स्ट पॉइंट है, वह देश जिसके लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उसके गृह युद्ध से अमेरिका को अलग करने के पक्ष में मतदान दिया है तो वह है यमन। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ADB ने व्यापक आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018 में 5.2% से गिरकर 2019 में इतना होने का अनुमान लगाया है तो वह है 3.9%। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के जिस सिद्धांत को मानने से इनकार किया है तो वह है डार्क मैटर। अगला है यहां पर पॉइंट है, वह IIT जहां से BIS मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं तो वह है IIT दिल्ली। नेक्स्ट है, वह भारतीय कंपनी जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जापान की दवा कंपनी दाइची सेंटो के बकाया 4,000 करोड़ रुपए देने के लिए चेताया है तो वह है रेनबेक्सी। नेक्स्ट है, वह राज्य जिससे 32 साल बाद आंशिक रूप से अफस्पा हटाया गया तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक ने 2019-20 के लिए जिस देश की GDP विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.2% किया तो वह है भारत। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जितने दिनों में जम्मू कश्मीर के लेह में सिंधु नदी पर सबसे लंबे सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया तो वह है
40 दिनों में। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने मार्च 2019 में जितने अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तो वह है 18। नेक्स्ट है हाल ही में वह देश जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से नवाजने का फैसला किया है तो वह देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगला बिंदु यहां पर करंट अफेयर्स में आता है, वह देश जहां 4G नेटवर्क विश्व में सबसे पहले लॉन्च होगा तो वह है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, वह संस्थान जिसने हाल ही में सीजर्स एंजाइम की खोज की है तो वह है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगला है रिलायंस जियो ने हाल ही में चैटबॉट बनाने वाली जिस कंपनी का अधिग्रहण किया है तो उसका नाम है यहां पर हैप्टिक। अगला बिंदु है करंट अफेयर्स में, वह राज्य जहां भारतीय सेना के गश्ती दल को अमेरिकी विमान का द्वितीय विश्व युद्ध के समय का मलबा मिला है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में इतनी कमी की है तो वह है 0.25%। चलिए नेक्स्ट है, वह देश जिसके कृषि विभाग ने घोषणा की है कि बिल्लियों पर जानलेवा प्रयोग अब नहीं किए जाएंगे जिसके कारण बीते 33 वर्षों में हजारों बिल्लियां मारी जा चुकी हैं तो वह देश है अमेरिका। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के मुताबिक युद्ध, जलवायु आपदाओं जैसे कारणों से पैदा हुए खाद्य संकट के चलते पिछले वर्ष दुनिया के जितने देशों के करीब 11.13 करोड़ लोगों को घोर भुखमरी का सामना करना पड़ा तो वह है 53। चलिए आगे बात करते हैं, गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन जिसे घोषित किया है तो वह है कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है वह देश जिसके राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतेफ्लिका ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो वह है अल्जीरिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स में, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में राफेल डील पर जिस भाषा में लिखी गई किताब नट्टे उल्लुकम राफेल के लॉन्च पर रोक लगा दी तो वह है तमिल। चलिए दोस्तों यहां पर आपका टॉपिक करंट अफेयर्स का पूरा होता है, आगे हम आपके लिए और भी करंट अफेयर्स लाने का प्रयास करेंगे आपकी परीक्षा संबंधित तैयारियों के लिए, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा की तैयारियों के लिए, काफी सारे स्टडी मटेरियल दोस्तों हम लेकर आएंगे आपके लिए, और भी अगर आप किसी विषय पर चाहते हैं स्टडी मटेरियल तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।